वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफिशिएंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन की इंट्रोडक्शन और एग्जांपल को बता दिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 का हल देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या एक क्या है। प्रश्न संख्या एक कह रहा है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एक्स बाई थ्री प्लस वन कमा वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू फाइव बाई थ्री कमा वन बाई थ्री, तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि इसका फर्स्ट वैल्यू इसके फर्स्ट वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा और इसका सेकंड वैल्यू सेकंड से इक्विवेलेंट होगा। चलिए कंपेयर करके देखते हैं। ये वाला फर्स्ट इसके फर्स्ट को इक्वल कर दीजिए तो हमें मिला एक्स बाई थ्री प्लस वन, ये चीज़ इसके फर्स्ट के इक्वल है फाइव बाई थ्री। ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिला, एलसीएम ले लें थ्री, तो हम ऊपर मिला हमें x प्लस थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री, तो थ्री से थ्री एलसीएम के रूप में लेकर के काट दिए तो मिला हमें x प्लस थ्री इक्वल टू फाइव। तो इस थ्री को उधर ले जाइए तो मिला हमें ये x इक्वल टू फाइव माइनस थ्री इक्वल टू टू, यानी कि x की वैल्यू टू मिल गया। अब ज़रा सेकेंड को सेकेंड से कंपेयर करके देख लीजिए तो हमें मिलेगा y माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू, ये देखिए वन बाई थ्री। तो इस तरह से y इक्वल टू मिला टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, एलसीएम इसका हो गया थ्री, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू वन। इस प्रकार से y की वैल्यू वन मिल गया, x की वैल्यू भी टू मिल गया। तो अब यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कह रहा है। यदि समुच्चय कैपिटल A में तीन एलिमेंट हैं तथा समुच्चय बी में ये एलिमेंट दिए हुए हैं थ्री फाइव और फोर, तो ए क्रॉस बी में अवयवों यानी कि एलिमेंट्स की टोटल संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए इसके लिए पहले देख लीजिए, देख लेते हैं नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है थ्री, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू थ्री इक्वल टू, इसी को हम पी बोलते हैं, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर पी। और जरा समुच्चय यानी कि सेट बी को जरा चेक कर लीजिए क्या लिखा हुआ है थ्री फाइव फोर, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू क्या मिला एक दो तीन, तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या मिल गया थ्री, यहाँ पर हमने लिख दिया, ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा, ठीक ना। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी के लिए आपको बताए थे, नंबर ऑफ ए इसी नंबर ऑफ ए को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए इनटू करके नंबर ऑफ बी को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इक्वल टू थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन, यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है, ये जरा देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने है, स्पष्टता दिखाई दे रहा होगा। इफ जी इक्वल टू सेवन एट एंड एच इक्वल टू फाइव फोर टू विच इज गिवेन, तो हमें जी क्रॉस एच तथा जी एच क्रॉस जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यह होगा क्वेश्चन नंबर थ्री। इसका जवाब क्या होगा इसके लिए जरा चेक करके देखते हैं। तो इसके लिए एरो डायग्राम का हम सहारा लेंगे, किसका सहारा लेंगे, हम एरो डायग्राम का सहारा लेंगे, ठीक है ना। तो एरो डायग्राम में जरा देखिए जी इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू लिख दिया ये सेवन एट और एच की वैल्यू फाइव फोर टू, ये वैल्यू लिखा हुआ है दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो जी क्रॉस एच की वैल्यू जरा ध्यान से देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जरा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए सेवन फाइव सेवन फोर सेवन टू, जरा देखिए सेवन फाइव सेवन फोर सेवन टू, फिर से एट फाइव एट फोर एट टू, तो एट फाइव एट फोर एट टू, यह आपका आंसर हो गया जी क्रॉस एच का। अब जरा इसका सेकंड पार्ट एच क्रॉस जी के लिए, पहले हमने एच ले लिया, बाद में जी है तो बाद में जी ले लिए, एच के एलिमेंट लिख लिए, जी के एलिमेंट लिख लिए। अब जरा एच क्रॉस जी के लिए ध्यान से देखिए हम कैसे बता रहे हैं,
5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। देखिए सभी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा वो देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, ट्रू है अथवा फाल्स है। यह हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। यदि असत्य है मीन्स फाल्स है तो दिए गए कथन को सही बनाकर हमें इंट्रोड्यूस करना है, लिखना है। तो जरा चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है यदि पी इक्वल टू 3 m, यह m एलिमेंट और n एलिमेंट दिया हुआ है और q का एलिमेंट क्या दिया है n और m क्रम से, तो हमें p और q के विषय में गिवन है ये mn mn, तो ये ट्रू है या फाल्स है जरा इसको चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए हम आंसर लिख दिए हैं पी क्रॉस क्यू इक्वल टू mn nm, क्यों ये फाल्स हुआ डायरेक्ट भी पहले जान लीजिए। पी क्रॉस क्यू में अभी एलिमेंट कितना दिखाई दे रहा है, 2, 1 और 1 2, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलिमेंट की संख्या 2 और यहाँ पर भी एलिमेंट की संख्या 2, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 2 × 2 = 4। तो P क्रॉस Q में एलिमेंट की टोटल संख्या होनी चाहिए 4, जिसके वजह से यह गलत है। तो गलत है तो असत्य के लिए हमें क्या बनाना है, उसको सही करके लिखना है। तो P क्रॉस Q के लिए पहले हमने क्या लिख लिया, देखिए ध्यान से, ये P और इसको लिख लिया P एलिमेंट के साथ में और Q लिख लिया एलिमेंट के साथ में, ठीक है ना। तो P और Q लिखने के बाद हमने क्या किया, इसमें में जरा देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि P की वैल्यू यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं M और N है तो M और N लिख दिए और Q की वैल्यू है N और M तो Q की वैल्यू N और M लिख दिए। तो हमें P क्रॉस Q ज्ञात करना है तो पहले P को लिख लिए, बाद में हमने Q को लिख लिए, और P क्यों क्रॉस Q को कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये mn, ये mm, ये nm और nm, ठीक। तो यही एलिमेंट एक एक करके लिखे हुए हैं, यही आपका आंसर है। और इसमें एक और बात कह रहा था कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो गिन के देख लीजिए 1 2 3 4, तो ये 4 लिख दिए हैं। दूसरा तरीका है P में एलिमेंट 2 है और Q में भी एलिमेंट 2 है तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ये ट्रू और फॉल्स हमें फाइंड करना है। इसके लिए जरा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों, ये x, y का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार की x बिलोंग्स टू b तथा y बिलोंग्स टू a। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन आपके सामने है, वो भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसीलिए हम इसको रोके हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसका जवाब क्या मिलता है। यहाँ पर इसका जवाब ये है कि यहाँ पर पहले तो माइंड मेकअप कर लीजिए कि a क्रॉस b हमें फाइंड आउट करना है, तो a क्रॉस b में यहाँ पर पहले ये a आना चाहिए और बाद में b आना चाहिए, और ये इतना ध्यान के, और a किसका एलिमेंट है, ये x का, और b है एलिमेंट y का। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा था। अब यहाँ पर इसको जरा चेक करना है कि ये सही लिखा है यहाँ पर कि ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है कि ये गलत लिखा है, हमें इसी को ध्यान से देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसका जवाब देख लीजिए, फॉल्स हो गया तो a क्रॉस b इक्वल टू x, y इम्प्लाई दैट, है ना, यहाँ पर ये क्या मिला हमें, x बिलोंग्स टू a, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट, और y बिलोंग्स टू क्या होगा, b, यानी कि ये फर्स्ट जो होता है ये x के लिए होता है और वही x बिलोंग्स टू a मिल जाता है, और b जो बाद में होता है वह भी यहाँ पर बाद में ही होगा और y बिलोंग्स टू b होगा। अब जरा चेक कर लीजिए कि इस क्वेश्चन का ये फोर्थ का ये थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 3, 4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू हमें फाई दिया हुआ है। अब ये चेक करना है यह गलत है या सही है। तो गलत या सही का जवाब की जहाँ तक बात करें, तो पहले तो ये देख लीजिए कि b इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू क्या मिलेगा।
तो इसमें तो एलिमेंट कुछ है, लेकिन भाई नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ये बड़ा सेट हो गया और ये जीरो सेट हो गया। इन दोनों में कॉमन जीरो एलिमेंट होगा, और जीरो एलिमेंट होने के कारण बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई हो गया। अब जरा वैल्यू रख दीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, तो बी इंटरसेक्शन फाई के जगह पर हमने क्या रख दिया, ये फाई रख दिया। देखिए तो हमें मिल गया ए क्रॉस फाई। तो अब ये बताइए कि पहला ये सेट ए हो जिसमें कुछ एलिमेंट गिवन है, और दूसरे में सेट में कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, तो पहले का हम किसके साथ एलिमेंट मिलाएंगे, कोई किसी के साथ तो मिला पाएंगे नहीं। इस प्रकार से ए क्रॉस फाई इक्वल टू फाई ही होगा, यानी कि यह मेरा आंसर सही है, यानी इसीलिए हमने ट्रू लिख दिया है। अब देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, यदि ए इक्वल टू -1,1 तो ए क्रॉस ए हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप में उसी ए क्रॉस ए का अगले वाले क्रॉस ए से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब जरा चेक कर लीजिए, पहले ए क्रॉस ए के लिए ये ए है, ये फर्स्ट वाला, और दूसरा वाला ए ये वाला है। तो एलिमेंट कौन कौन सा दिया हुआ है, -1,1, तो -1,1 ये दिखाई दे रहा है। जरा इनके एलिमेंट्स कौन कौन से मिलेंगे ए क्रॉस ए के लिए, जरा उसको भी हम बता दें कि कैसे लिखे हुए हैं, बस आपको यही समझना है। जरा चेक करिए, -1,-1 मिलाते जाइए, 1,-1 ये दिखाई दे रहा है, और 1,1 आपको ये दिखाई दे रहा है। ये 1, 2, 3, 4 एलिमेंट ए क्रॉस ए में हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए में इन्हीं चारों एलिमेंट को हमने रख दिया। चेक कर लीजिए ए क्रॉस ए में एलिमेंट क्या मिल गया, -1,-1, -1,1 ये वाला वैल, और 1,-1 ये वाला एलिमेंट, और लास्ट में 1,1 ये लिख दिया। तो ए क्रॉस ए में लिख दिया, और दूसरा हमने फिर से ए लिख दिया। अब हमें ए क्रॉस ए फाइंड आउट करने के लिए पहले शुरू के दो ए क्रॉस ए को हम ब्रैकेट में कर दिए, क्योंकि इसका जवाब हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है ना, कर चुके हैं। तो ए क्रॉस ए मिल गया। तो ए क्रॉस ए के लिए जरा चेक कर लीजिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये ए क्रॉस ए है, ये ए है। अब जरा एक एक करके हम आगे बढ़ाते रहेंगे, एलिमेंट आपको देखना है ध्यान से। -1,-1,-1, ठीक, तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या हो गया, -1,-1,1, तो ये दूसरा वाला दिखाई दे गया, ध्यान से देखिए। इसके बाद में अगला एलिमेंट क्या मिला, -1,-1,-1, ये ध्यान से देखिए ये चीज़। फिर से एलिमेंट मिल गया -1,-1, और ये हो गया 1, ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद में 1 ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, 1,-1, और यहाँ पर -1 ये दिखाई दे रहा है। फिर से इसी प्रकार से 1,-1 और 1 ये दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से दो और एलिमेंट हमें मिल जाएगा, 1,-1,-1 ये वाला एलिमेंट है, और लास्ट में मिला हमें 1, ये चेक कर लीजिए, 1,1,1। इस प्रकार से एक चीज़ देखिए कि इस ए में दो एलिमेंट हैं, इसमें भी दो एलिमेंट हैं, इसमें भी दो एलिमेंट हैं, 2 2 या 4 2 या 8, यानी कि 2 इंटू ये 2 इंटू ये हो गया 2, इक्वल टू हो गया 8 एलिमेंट। जरा गिन करके देखते हैं कि मेरा 8 एलिमेंट है भी कि नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 8। इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस प्रकार से आपका आंसर ए क्रॉस ए का मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि ए क्रॉस ए इक्वल टू ax ay bx by का सेट है ये, तो हमें फाइंड करना है ए और बी सेट क्या क्या होगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ए प्रत्येक का फर्स्ट एलिमेंट शो करेगा, और बी बाद में होने के कारण ये प्रत्येक ब्रैकेट का दूसरा वाला एलिमेंट होगा। और इसमें एक बात और हम ध्यान देंगे कि सेट कोई भी हो, दो बार हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ऐसे में ए
जरा चेक कर लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पर ये इक्वल टू, ये देखिए ए और ए दो बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार हमने लिख दिए, और फिर से बी और बी दो बार रिपीट हो रहा है तो फिर से दोबारा बी लिख दिए, ये ए का सेट मिला, ये फर्स्ट ये ब्रैकेट का एलिमेंट है, ये यहाँ पर लिख भी दिए हैं। और इसके बाद में बी के विषय में देखिए, बी ये क्या है, सेकंड है, तो प्रत्येक ब्रैकेट का सेकंड देख लीजिए जो रिपीट नहीं होना चाहिए वो भी हमें माइंड करना है। तो जरा चेक कर लीजिए, एक्स वाई एक्स वाई, तो एक्स और वाई हमने लिख दिया क्योंकि रिपीट नहीं करना है, दो बार एक्स है तो एक ही बार लिखेंगे, दो बार वाई है तो हम एक बार ही वाई लिखेंगे। तो अब जरा देखिए आंसर आने के बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ये में क्या कह रहा है। सेवेंथ में कह रहा है, मान लीजिए कि ए इक्वल टू वन टू, बी इक्वल टू वन टू थ्री फोर, सी इक्वल टू फाइव सिक्स एंड डी इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन एट। तो हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये वेरीफाई करना है। और सेकेंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक सबसेट है, उप समुच्चय है। तो पहले वाले का वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, बी और सी को जरा चेक करके देखते हैं, क्योंकि हमें बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। तो बी और सी में हम देख रहे हैं कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होने के कारण बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, फाइव, ये रिक्त समुच्चय नल सेट मिल गया। तो इस प्रकार से हमें मिला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी के जगह पर कोई एलिमेंट कॉमन ना मिलने के कारण फाइव जो दिखाई दे रहा था वो लिख दिए, तो ए क्रॉस फाइव इक्वल टू फाइव होगा, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, क्योंकि यह कोई सेट ए हो उसको किसी कोई भी अवयव है ही नहीं, कोई एलिमेंट है नहीं, तो उससे कॉम्बिनेशन हम बना ही नहीं सकते। तो ऐसे में ये इसका जवाब होगा फाइव। ये हो गया इक्वेशन वन मेरा। अब जरा देख लीजिए, हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना है और इसके बाद ए क्रॉस सी भी ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी के लिए हमने क्या किया, ये देखिए ए लिख दिया वन टू एलिमेंट दिया हुआ है और बी एलिमेंट दिया हुआ है वन टू थ्री फोर। ये ए का एलिमेंट क्या मिला, वन टू, और बी का एलिमेंट मिल गया वन टू थ्री और फोर मिल गया, ठीक है ना। तो अब ए क्रॉस बी के लिए हम क्या करेंगे, ये चेक कर लीजिए, वन 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 टू वन थ्री वन फोर, फिर से टू वन टू 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 थ्री टू फोर, ये मिल गया आपको। इसी प्रकार से ए क्रॉस सी हम कैसे फाइंड करेंगे, ए का एलिमेंट हमें पहले से पता है वन टू होगा और सी का एलिमेंट हमें पहले से पता है कि फाइव और सिक्स होगा। तो इस प्रकार से ए क्रॉस सी के लिए क्या करेंगे, ये देख चेक कर लीजिए, वन फाइव वन सिक्स टू फाइव और टू सिक्स, तो यही वन फाइव वन सिक्स टू फाइव और टू सिक्स लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी इन दोनों में हमें कॉमन चेक करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन हमें पता करना है कि दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन ना होने के कारण ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल टू फाइव हो गया। इस प्रकार से हमें पता चला कि ए क्रॉस ये बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाइव होगा, और इक्वेशन टू के अंतर्गत ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल टू भी फाइव दिखाई दे रहा है, यह वेरीफाई हो गया, सिद्ध हो गया। अब इसके बाद में इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट के लिए हमें पता करना है कि ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, ये बी क्रॉस डी जो होगा बड़ा सेट होगा उसी का छोटा सबसेट ए क्रॉस सी क्या हो रहा है वो हमें पता करना है। इसके लिए पहले ए क्रॉस सी हम फाइंड करेंगे, तो ए क्रॉस सी के लिए पहले ए लिख लिया और उसके बाद में हमने सी लिख दिया। तो ए का एलिमेंट क्या दिया हुआ है, वन टू, और सी का एलिमेंट दिया हुआ है फाइव और ये सिक्स। तो अब जरा इसमें मिलान कर लीजिए कि क्या क्या मिला, वन फाइव वन सिक्स टू फाइव और टू सिक्स मिला, ये चीज़ आपके सामने। इसी प्रकार से बी का एलिमेंट लिख दिया वन टू थ्री फोर और डी का एलिमेंट लिख दिया फाइव सिक्स सेवन एट। और इस प्रकार से बी क्रॉस डी हमें कैसे मिलेगा, देखिए वन फाइव वन सिक्स वन सेवन वन एट, इसी प्रकार टू फाइव टू सिक्स टू सेवन टू एट, फिर तीन के लिए थ्री फाइव
थ्री सिक्स, थ्री सेवन, थ्री एट और लास्ट फोर के लिए फोर फाइव, फोर सिक्स, फोर सेवन और फोर एट। ये लास्ट में देखिए फोर एट दिखाई दे रहा है। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, एक दो तीन चार, और इसमें एलिमेंट हैं, इसमें भी चार, और चार गुणे चार कितना होता है, सोलह। तो गिन के यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो पता चलेगा 16 एलिमेंट ही है। अब जरा इसमें चेक कर लीजिए कि ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी में, ये चेक कर लीजिए ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी में कौन कौन कॉमन है। तो हमने क्या किया, ए क्रॉस सी में रेड पेन से टिक मार्क कर दिए हैं, वही वाले बी क्रॉस डी में भी कॉमन है। जैसे 15 बी क्रॉस डी में भी 15 मिल रहा है, ए क्रॉस सी में 16 इसमें भी मिल रहा है, इस प्रकार से ये 25 नीचे भी देखिए 25 मिल रहा है और 26 नीचे में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस सी ये छोटा सेट है तो पहले लिख दिए, और बी क्रॉस डी बड़ा सेट है बाद में लिख दिए, और बी क्रॉस डी में ही ए क्रॉस सी का एलिमेंट मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, इस प्रकार से प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आठवां क्या कह रहा है, जरा उसको भी हल करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू गिवन है 3 4। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लिखना है, राइट करना है a क्रॉस b का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, और सेकंड पार्ट में हमें प्राप्त करना है ये हाउ मैनी सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब थर्ड इसी के लिए ये इंग्लिश वर्जन आपको दिखाई दे रहा है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, और सेकंड इसका आगे थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें, लिस्ट देम का मतलब हुआ कि उनकी सूची बनाइए, लिस्ट बनाना है कि ए क्रॉस बी और इसकी सूची क्या होगी। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हमें राइट करना है, लिखना है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने इधर देख लीजिए ए क्रॉस बी के लिए पहले ए आ रहा है तो ए लिख दिए, बाद में बी आ रहा है तो बाद में बी लिख दिए। ए क्रॉस बी मिलान करके देखिए 1 3 1 4 2 3 और 2 4, तो 1 3 1 4 2 3 2 4 ए क्रॉस बी मिल गया हमें। ए क्रॉस बी ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था और कर भी दिए। अब इसके बाद में हमें ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, जरा उसको भी चेक करके देखते हैं। ये चीज़ बताइए कि ए क्रॉस ए में एलिमेंट 2 हैं, बी में एलिमेंट 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में भी टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 2 × 2 = 4, जरा चेक कर लीजिए 1 2 3 और ये 4 एलिमेंट तो दिखाई दे ही रहा है। तो आपको हमें आपको पहले से पता है, सेट्स के एक्सरसाइज में आपको हम बताए थे कि अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हों तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। तो n की वैल्यू कितना मिल गया, 4, 2 की पावर 4 = 16। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी ये 16 एलिमेंट्स को ये हम सबसेट के रूप में मानेंगे, यानी कि a क्रॉस b में 16 सबसेट्स होंगे। और सबसेट्स कौन कौन से होंगे जरा उसको भी चेक करके देख लेते हैं, उसको भी हम वेरीफाई करके बता दें। तो जरा इसके विषय में थोड़ी सी अलग से जानकारी कर लीजिए कि इसमें ये टोटल एलिमेंट ये 1 2 3 4 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, ये पहला ये हमें सबसेट क्या मिलता है, 5 मिलता है, ठीक, जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसके आगे क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट वाला लिखते हैं, जैसे 1 3 एक एलिमेंट हो गया, 1 4 अगला एलिमेंट हो गया, 2 3 अगला एलिमेंट हो गया, 2 4 अगला एलिमेंट, तो एक एक एलिमेंट वाले मिल गए। अब दो दो एलिमेंट वाले कैसे लिखेंगे, 1 3 1 4 इसके बाद 1 3 2 3 फिर इसके बाद 1 3 2 4 इसके बाद होगा 1 4 2 3 इसके बाद होगा 1 4 2 4 इसके बाद होगा 2 3 2 4, तो ये दो दो एलिमेंट के सबसेट मिल गए। तो इस प्रकार से अब तीन तीन वाले भी लिख लेंगे, तो ये एक भी एलिमेंट नहीं, और इसमें ज़रा चेक कर लीजिए ये एक एक एलिमेंट वाले हो गए। अब इसमें ज़रा चेक कर लीजिए कि अब ये हो गए आपके दो दो एलिमेंट वाले, है ना, दो दो एलिमेंट वाले हो गए। अब इसके आगे क्या लिख दिया, अब ये चेक कर लीजिए तीन तीन एलिमेंट वाले हमने बना करके ध्यान से देख करके लिख दिए। अब लास्ट में हमने क्या किया, चारों एलिमेंट लिख दिए। तो इस प्रकार से हमें टोटल एलिमेंट की जानकारी हो तो टोटल सबसेट्स 2 के पावर n के आधार पर पहले से ही फाइंड आउट कर लेते हैं, और ज़रा काउंटिंग करके देखते हैं कि ये वैल्यू सही है या गलत, ज़रा चेक करके देखते हैं। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो इस प्रकार से मेरा आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मान लीजिए कि ए और बी दो सेट हैं जहां नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2। यदि यहां पर ए क्रॉस बी की अगर बात करें तो ए क्रॉस बी में कुछ ये एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है, x1, y2, z1, ठीक है ना। तो ए और बी हमें सेट को फाइंड आउट करना है जहाँ एक्स और वाई और जेड अलग अलग एलिमेंट हैं। इसका इंग्लिश वर्जन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब जरा चेक करके देखते हैं, ए क्रॉस बी जो गिवन है x1, y2, z1 और डॉटेड कर लिया, क्या मतलब क्या हुआ कि इसमें और भी एलिमेंट मौजूद हैं। टोटल एलिमेंट कितने होंगे ये देखिए, 3 × 2 = 6 एलिमेंट। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 6 एलिमेंट हमने लिख दिया है। तो ए में यहाँ पर ए पहले लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट ब्रैकेट वाले स्टेप को एक्स वाई जेड के रूप में लिख लिए। अब बाद में बी है तो प्रत्येक के बाद वाले को हम चेक करके देखते हैं, 1, 2 और 1। तो 1 दो बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से बी के एलिमेंट मिल गया 1 और 2। यहाँ पर ये एक्स वाई जेड ए को बिलोंग करता है एलिमेंट और 1, 2 बिलोंग करता है बी को। इस प्रकार से यह आपका आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं जिनमें ये -10 तथा 01 भी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो समुच्चय ए क्रॉस ए हमें ज्ञात करना है, ये समुच्चय ए हमें ज्ञात करना है और इसके बाद में ए क्रॉस ए के शेष एलिमेंट भी हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो पहले तो ये हमें गिवन है कि ये -1, 0 ए क्रॉस ए का एलिमेंट है, यहाँ पर तो दिखाई दे ही रहा है। यहाँ पर ये चेक कर लीजिए कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, तो ए यहाँ पर क्या होगा, ये चीज देखिए 1 और बाद वाला ए 0 भी हो गया, फिर से इस ए में 0 आ गया और फिर से ए में 1 आ गया। तो इस प्रकार से ए क्रॉस ए में यहाँ पर पहले वाले में 2 एलिमेंट और ए क्रॉस ए दूसरे वाले में 0, 1 एलिमेंट। इस प्रकार से दोनों को मिला करके देखिए तो एक केवल एक के एलिमेंट कौन कौन से मिल गया, -1, 0 और 1 ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ए का जो हमें सेट मिला -1, 0 और 1 मिल गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस ये सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, जरा देखिए ए क्रॉस ए में 2 एलिमेंट तो दिखाई दे रहा है, हमें अदर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस ए में तो पहले एक बात बताइए कि ए में कितने एलिमेंट हैं, ये 1, 2, 3, तो -1, 0, 1 तो -1, 0, 1 ए में लिख दिया, फिर से ए लिख करके -1, 0, 1 लिख दिए। तो ए क्रॉस ए चूँकि हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, -1, -1, -1, 0 और -1, 1, ठीक। इसी प्रकार से हमने ये लिख दिया, देखिए 1, 2, 3 ये हो गए। फिर से 0 से क्या होगा, 0, -1, 0, 0, 0, 1, ठीक ये चीज़ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में 1 के साथ में क्या होगा, 1, -1, 1, 0 और 1, 1, 1। तो इस प्रकार से टोटल एलिमेंट्स हमने 9 लिख दिए। तो अब इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर -1, 0 और 0, 1 के अतिरिक्त 7 एलिमेंट कौन सा हैं। तो पहले इन दोनों एलिमेंट्स को हम हटा देते हैं, तो अंडरलाइन जो दिखाई दे रहा है वो गिवन एलिमेंट था, तो अतिरिक्त एलिमेंट कौन कौन से हो गए जो अंडरलाइन नहीं है, तो वही आपका आंसर हो गया, ये आपका अतिरिक्त एलिमेंट है। तो अब हम आपसे आशा करते हैं कि अंततः ये आपको बताना चाहते हैं कि यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।